एक बड़ा रीज़न ये है कि लोग घर में होते हुए बोर क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है सॉलिट्यूड को हैंडल कैसे किया जाए। उन्हें पता नहीं है सॉलिट्यूड का वैल्यू क्या है। बींग अलोन और सॉलिट्यूड एक सबसे अनोखा एक्सपीरियंस होता है सबके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है उसी एक्सपीरियंस को लोग आज सफ़र कर रहे हैं, लोग आज बोर फील कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। कोई भी इंसान अपने लाइफ में कुछ प्रोफाउंड, कुछ क्रिएटिव करना चाहता हो तो वो नेचुरली सॉलिट्यूड को देखता है। वो नेचुरली खुद का वक्त चाहता है, वो नेचुरली खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि आप तभी कोई चीज़ प्रोफाउंड या फिर क्रिएटिव कर सकते हो जब आप अकेले हो, जब आप अपने सॉलिट्यूड को एन्जॉय करते हो। दूसरा रीज़न ये है, हमने पहले कभी ऐसा कोई बदलाव एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, ये पहली बार हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि लाइफ में हम हमेशा खुद को बिजी रखते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। हम बोलते ये आ रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा टाइम बहुत टाइट है, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, मुझे वक्त ही नहीं मिलता ये करने के लिए, वो करने के लिए, खुशी के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता है। लेकिन जब अब हमारे पास इतना टाइम है, हम अकेले हैं, घर में हैं, फिर भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंप्लेन करना हमारा आदत हो गया है। थर्ड रीज़न ये है, जिस लेवल का एक्सपोजर हमें मिल रहा है आजकल, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी से, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस एक ही साथ बहुत कम वक्त में या फिर बहुत कम एज में हमें मिल रहा है। 100 साल पहले 20 साल का लड़का जो एक्सपीरियंस करता था अपने लाइफ में, आज 10 साल का लड़का वही एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी कि सब कुछ जल्दी हो रहा है, सब कुछ प्रीपोन्ड हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होते हैं जिनको करने में हमें मूड ही नहीं होता, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी है ही नहीं, वंडरमेंट बिल्कुल ख़त्म है। आजकल के लड़कों के अब अगर आप देखोगे तो उनके पास स्मार्टफोन टैबलेट है और उसी स्मार्टफोन स्क्रीन में उनको सारा दुनिया दिखता है। जब स्मार्टफोन के स्क्रीन में वो सारी दुनिया देख सकते हैं तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ को करना वो कभी सोचेंगे नहीं, इसीलिए नेचुरली वो बोर फील करेंगे, उनका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। चौथा मेन रीज़न ये है, हम अपना थॉट और इमोशन को हैंडल करना नहीं जानते हैं। हम मैच्योर तो हो गए लेकिन फिर भी हमारा थॉट, हमारा इमोशन, हमारे थिंकिंग्स, हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये हमें पता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए? हमारा इमोशन इतना वोलाटाइल क्यों होता है, क्यों इतना फ्लक्चुएट करता है? अब मैं खुश हूँ, नेक्स्ट मोमेंट मैं सडनली गुस्सा हो जाता हूँ, राइट नाउ आई एम हैप्पी, नेक्स्ट मोमेंट आई एम अनहैप्पी, ऐसा होता क्यों है? कुछ तो बात है जो हमें पता नहीं है। क्या आप जानना नहीं चाहते हो आपका माइंड का नेचर क्या है, आपका इमोशन का नेचर क्या है? आपका दिमाग हमेशा क्यों चलता रहता है, हमेशा आपके मन में थॉट्स क्यों आते रहते हैं? कुछ कर रहे हो तो थॉट्स, कुछ ना भी कर रहे हो, अकेले बैठे हो तभी थॉट्स, क्यों ऐसा होता है? तो यही सही वक्त है ये सवाल का जवाब जानने का, यही सही मौका है आपके लिए इनर जर्नी स्टार्ट करने का, खुद के अंदर देखने का, आखिरकार ये सारी चीज़ें क्या क्या है जिसको मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है, जिसको मैंने कभी अनफोल्ड ही नहीं किया है। आपका पहला प्रायोरिटी है, आप खुद के बारे में जानो, खुद के इमोशन, थॉट्स, खुद के फिजिकल कैपेबिलिटी, पोटेंशियल के बारे में जानो। उसके बाद अगर जब आप दुनिया में कदम रखते हो तब कभी भी आपको परेशानी फेस करना नहीं पड़ेगा। लोग इसीलिए बोर फील करते हैं, लोग इसीलिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उनके थॉट्स या इमोशन को वो कैसे हैंडल करें, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अटेंशन ही नहीं दिया। तो ये सही वक्त है मेडिटेशन के बारे में जानने का, योगा के बारे में जानने का। सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन ही आपको बचा सकता है, आपको सिखा सकता है। मेडिटेशन से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप जान सकते हो आपके थॉट्स, इमोशन हमेशा ऐसे चलते क्यों रहते हैं, ये उतने वोलाटाइल क्यों हैं, फ्लक्चुएट क्यों होते रहते हैं, और आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह से इसको कंट्रोल में ला सकते हो, ये सारे बातें आपको सिखाएगा मेडिटेशन। मेडिटेशन पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अगर आप डेडिकेटेड होकर करते हो, अगर आप इन्वॉल्व होकर करते हो 100%, तो बहुत जल्द मेडिटेशन को आप जान लोगे और मेडिटेशन को आपके लाइफ का एक हिस्सा मान लोगे। तो यही एक सुनहरा मौका है, ये जो एक्स्ट्रा दिन आपको मिला मई 3 तारीख तक, आप इस दिन का यूटिलाइज करो, यूज़ करो,
खुद के फाउंडेशन, खुद के बेसिक्स को स्ट्रांग बनाओ, योगा मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाओ। तब देखना, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, आप कभी भी बोर फील नहीं करोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सब कुछ उस समय में खुद को प्रोडक्टिव कैसे रखना है। तो प्लीज़, ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। इस अपॉर्चुनिटी को काम में लगाओ, खुद को बदलो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, हमेशा खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो। धन्यवाद।